समस्त जिले व देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत ईश्वर गुर्जर। दीपावली के पावन पर्व पर भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत राजू मीणा, श्री चार पूजा स्टोर, गांव कासिया, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा। नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान। स्वागत है आपका INN24 पर। INN24 परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समस्तीपुर के विधान प्रखंड के फुहिया घाट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण सेतु योजना के तहत 11 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। साथ ही हसनपुर विधानसभा से जुड़े 13 अन्य योजनाओं का कार्य आरंभ और उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर सहित कई विधायक विधान पार्षद मौजूद रहे। कमला कोसी और करेह नदी के संगम पर बनने वाले इस पुल से 5 जिले के लोगों को फायदा होगा। पुल के निर्माण से जहां आवागमन में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों का कायाकल्प होगा। कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय में से 2 निश्चय पूरा हो गया है। महिलाओं को हर तरह के सरकारी सेवा में 35% आरक्षण लागू कर दिया गया है। वही हर घर बिजली योजना लक्ष्य से पहले पूरा कर लिया गया है। प्रेम का भाव रखिए, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था, लेकिन कोई दूसरे धर्म को मानने वाला है उसके प्रति भी व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। और जब प्रेम का और सद्भावना का माहौल रहेगा तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर झगड़ा का माहौल करिएगा, आजकल झगड़ा लगाने वाला बड़ा सक्रिय हो गया, तो पता नहीं तरह तरह का झगड़ा होता है, जात जात में झगड़ा, अलग अलग धर्म संप्रदाय में झगड़ा, बहुत लोग इस तरह के काम में लगे रहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे किसी के चक्कर में मत पड़िएगा और प्रेम का भाईचारे का माहौल जरूर बनाएंगे। और हमको विकास न्याय के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 7 निश्चय में 2 निश्चय पूरा हो गया। हमने कहा था महिलाओं को सरकार की सेवाओं में 35% का आरक्षण देंगे, दे दिया। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए INN24 पर। सांवरिया गिट्टी क्रेशर फुसरिया मध्य प्रदेश की ओर से समस्त जिले व देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत प्रोपाइटर छीतर लाल धाकड़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों की तल्खियां बढ़ने लगी हैं। 2 दिन पूर्व में बक्सर पहुंची उमा भारती द्वारा नमो की सरकार 2019 में बनने की दावा किए जाने पर बक्सर से कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि दिया में कितना तेल है वो 2019 की चुनाव में पता चल जाएगा। 4.5 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेता ये बताए कि इनके कौन से काम जनता के हित में है। ना नोटबंदी कामयाब हुआ, ना GST कामयाब हुआ। कांग्रेस के राज में 300-400 के बिकने वाला सिलेंडर आज 1000 में बिक रहा है और बीजेपी महंगाई कम करने की बात कर रही है। हम आपको बताते चले कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथियां बढ़ने लगी हैं, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही कारण है कि अब धीरे धीरे राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर चुनाव के रंग चढ़ने लगे हैं। एक भोजपुरी में कहावत है, ये नौवा कपड़ा बकतरा बार बार, तो पंडित जी चाहे साहेब समय आ गया है
ये कितना बाल है वो तो पता लग जाएगा कि किसकी क्यों क्या औकात है। अगर आपने कुछ किया है जनहित में तो ये मामला समझ में आता है। आप जनहित में कोई काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिख रहा है इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो महंगाई हो, इन सभी चीजों पर आज तक क्या कंट्रोल हुआ? अगर कंट्रोल नहीं हुआ, वही 450 का गैस UPA के कार्यकाल में बिकता था तो महंगाई डायन खाई जाती होती थी, लेकिन आज 1,036-35 रुपए का सिलेंडर हो गया तो क्या महंगाई अब डायन नहीं खा रही है? अब जनता इसका जवाब देगी 19 में कि भारतीय जनता पार्टी क्या विषाक्त है इस देश में और क्या भारतीय जनता पार्टी भविष्य में अपना सर उठा पाएगी। ये समय का तकाजा है और समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या होता है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए INN24 पर। दीपावली के पावन पर्व पर सभी देश प्रदेश व भिलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत मोहन लाल धाकड़, शंकर लाल धाकड़, गायत्री स्टोर, गांव दानपुरा, तहसील बिजोलिया, जिला भिलवाड़ा। देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत लाखाराम गुर्जर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को डिस्कवरी पब्लिक स्कूल मिर्जागंज के द्वारा आयोजित डिस्कवरी टैलेंट सर्च कंपटीशन 2018 का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों के द्वारा गीत संगीत नृत्य और जनरल नॉलेज प्रतियोगिता के साथ साथ रंगोली कंपटीशन कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर जमुआ BDO विनोद कुमार कर्मकार की उपस्थिति रही। वही जमुआ BDO श्री कर्मकार ने कहा कि बच्चों के लिए जीवन का 15 से 20 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बीच आप इतनी तैयारी करें कि आपका मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा हो सके। यदि यह हो गया तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस क्रम में ग्रुप ए से प्रथम स्थान कार्तिक कुमार, द्वितीय आनंद भारती, तृतीय स्थान विक्रम कुमार, ग्रुप बी से प्रथम स्थान सुजल कुमार, द्वितीय सत्यम कुमार और तृतीय स्थान नीरज कुमार, ग्रुप सी से प्रथम स्थान रोशन कोठारी, द्वितीय स्थान शंकर कुमार व तृतीय स्थान आर्य सिन्हा, ग्रुप डी से प्रथम स्थान सचिन कुमार, द्वितीय स्थान राजू कुमार, तृतीय स्थान मोहित कुमार ने प्राप्त किया। विद्यालय में मेघा वार्ड से मुस्कान और नेहा मरांडी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। शिक्षक से भी मैं आग्रह करूंगा क्योंकि अभी पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बहुत सारे बदल गए। हम लोग जब पढ़ते थे तो कुछ ही बुक्स मिलते थे, कुछ ही क्वेश्चन बैंक होते थे, लेकिन आज की परिवेश में, आज की परिस्थिति में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, नेट का, मोबाइल के जमाने में हम लोग बहुत सारी चीजें हमारे पास थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो मिल सकता है, सर्च कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर्स उसका हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहले कुछ अच्छे बुक्स हम लोग को मंगाना होता था तो हम लोग को रांची या पटना से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं। आज अच्छे से अच्छे राइटर की बुक यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप्स में, इंटरनेट में जाकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर हम लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ाई की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है सतत मनन करने का, हमेशा सोचना चाहिए, हमें मनन करनी चाहिए। डिस्कवरी टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन बच्चों के लिए, बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इससे बच्चे की अंदर छुपी प्रतिभा सामने आती है और बच्चे भविष्य में कुछ कर गुजरने की तमन्ना, अपने दिल में जो दबी रहती है वो आगे निकलती है चीज़ को। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी शिक्षक शिक्षिका और इस विद्यालय के प्राचार्य और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए INN24 पर। समस्त जिले व देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनय नवीन जोशी, RTI कार्यकर्ता।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले दिनों डेंगू की चपेट में आने से जहां एक सरकारी अधिकारी की मौत के बाद हड़कंप मच गया था, तो वहीं बक्सर में भी डेंगू की आशंका से पीड़ित 5 मरीजों को सदर अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर के बाद भी हड़कंप मच गया है। यह हड़कंप इसलिए भी क्योंकि इस परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी को पहले से ही डेंगू की शिकायत है। दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। इसी बीच इसी परिवार के 5 अन्य लोगों की भी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आशंका है कि उन्हें भी डेंगू की शिकायत है। डेंगू की शिकायत के बाद एक साथ एक ही परिवार के 5 मरीजों के भर्ती होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। साफ तौर पर चिकित्सक इसे भी डेंगू करार नहीं दे रहे हैं, लेकिन आशंका जरूर जताई जा रही है कि डेंगू के लक्षण होने की पूरी आशंका है। हालांकि स्पष्ट रिपोर्ट जांच के बाद ही आ पाएगा। कुछ पहले बाबूजी को हुआ था जी। बाबूजी को हम लोग लेकर बनारस त्रिमूर्ति में आरती कराए, उसके बाद माँ को हो गया। माँ को होने के बाद हमारा घर में बुखार से शुरुआत होता है सब परिवार को, मतलब 10-11 आदमी। बाकी सब आदमी कहाँ गए? 2 आदमी माई और हमारे मैडम का बाथरूम। अच्छा। और हम लोग 3 आदमी हैं, 5 आदमी। अच्छा। बाबूजी को अच्छा हो गया, उनका प्लेटनेस 188-189 हो गया था। अभी आपके परिवार में कितने लोग आक्रांत हैं? अभी यहाँ पर 5 जन में हम लोग। 5। कितने दिनों से है ये हो गया? सर हमारे घर में 10 रोज से। इलाज कहाँ आप करा रहे थे? इलाज हम लोग ये बाकी लोग इलाज चल रहा था टुमरा हरा जैसी मार्केट। कल रात में 9 आदमी पुराना भोजपुर डुमराव से रिपोर्टेड है। 6 एक ही परिवार के 6 आदमी 7 आदमी ग्रसित हैं। अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पर हम लोग सस्पेक्टेड केस ऑफ डेंगू है, कंफर्म करने के लिए इनका NS1 और डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट करेंगे अपने अस्पताल में, तभी हम लोग पुष्टि कर सकते हैं कि कन्फर्म केस है या नहीं डेंगू का। किस गाँव के हैं लोग? पुराना भोजपुर। डेंगू के लक्षण पाए? सस्पेक्टेड केस है इनके परिवार में। इनके जो बुजुर्ग पिताजी थे उनको कंफर्म था डेंगू, उसके बाद इनकी माताजी को भी कंफर्म हुआ है। प्लेटलेट इनका 52,000 है अभी, लेकिन फिर से हम लोग रिपीट इनका टेस्ट करवाएंगे और उसमें अगर पुष्टि होगी डेंगू कंफर्म होने का, तभी हम लोग इनको जैसे कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज अभी सस्पेक्टेड केस ऑफ डेंगू माना जाए। खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए INN24 पर। समस्त जिले व देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत नारायण मारवाल। दीपावली पर्व पर सभी देश प्रदेश व भिलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत गीता देवी, संजय, किरण, विजय, रितुल व निलय पराशर, बिजोलिया, जिला भिलवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलात्कारी को संरक्षण देने वाला जमुआ विधायक केदार हाजरा को अविलंब बर्खास्त करो उक्त नारे के साथ भाकपा माले ने जमुआ में विधायक का पुतला दहन किया। वही मौके पर भाकपा माले के युवा नेता असगर अली ने कहा कि विधायक जिस तरीके से गरीब बच्ची के बलात्कार और बलात्कार के बाद धमकी और उनके माँ बाप के साथ पिटाई करना, यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। केदार हाजरा नैतिकता के तौर पर खुद ही इस्तीफा दे, नहीं तो भाकपा माले आगामी 10 नवंबर को भाकपा माले के पूर्व विधायक कामरेड विनोद सिंह एवं राजधनवार विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में जमुआ में हजारों लोग उतरेंगे और उनके भतीजे की गिरफ्तारी की मांग करेंगे और राजनीतिक संरक्षण देने के जुर्म में केदार हाजरा के इस्तीफे की मांग राज्यसभा के अध्यक्ष से किया जाएगा। मौके पर एपवा जिला सचिव रेणु रवानी, जिला कमेटी नेत्री मीना दास सहित अन्य लोग शामिल थे। जो यहाँ के जो केदार हाजरा हैं, इनके संरक्षण में कहिए कि बलात्कार की घटना घटी है और आज तक जो है उसका भी इंसाफ जो है कि नहीं मिला है, और ये जो है कि इंसाफ की लड़ाई जो है कि हम लोग भगवान माले के बैनर तले जो है कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं
आपके घर में आग लगा देंगे, आपको पीटेंगे। ये तमाम तरह की जो डराना धमकाना जो है कि इनके तरफ से जो है ये चल रहा है, और इसका जो है कि पुरजोर विरोध जो है कि हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम करके जो है कि हम लोग इसका विरोध जता रहे हैं। पीड़िता परिवार से मिलने के लिए, और उस परिवार से जब मिले हम लोग तो बयान मिला कि 25 तारीख की घटना है और 29 तारीख को पंचायत हो रहे थे। 29 तारीख को ही आए थाना, जब पंचायत नहीं हुआ तो थाना आया और मुकदमा दर्ज किया। 30 तारीख को बच्ची को मैंने मेडिकल जांच हुआ, उसके बाद तो जब मेडिकल जांच हुआ वहां रिपोर्ट हो गया तो उस पीड़िता परिवार को केदार हजरा की माध्यम से मतलब धमकी चमकी अभी भी दे रहा है। आज रात तो पुलिस गया था तो उस परिवार को जाकर के धमकी दे रहा था कि तुमको जान से मार देंगे, मेरा नाम को तो कीचड़ में डाली दी है लेकिन तुमको भी जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। आज उस परिवार तड़प तड़प करके रोते हुए हम लोग को पास बोल रहे थे, बोलो हमको मार देगा दीदी, कैसे बचेंगे, हम लोग नहीं डरना है, मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन ये निंदा करते हैं कि केदार हजरा का ये जो हरकत है, इस तरह का जो रवैया है, हम लोग निंदा करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार। दीपावली पर्व पर सभी देश प्रदेश व भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत मिट्ठू सिंह, मदन लाल सोनी, शिव शक्ति एक्सप्लोजर, गांव रेसुंदा, तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा।